क्या आप भी अपनी लाइफ में बार बार नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो? ना चाहते हुए भी नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं। एक चीज़ तो आप बात मान लीजिए कि अगर जो भी आपको ऐसा बोल रहा है कि हमेशा के लिए नेगेटिव सिचुएशन, हमेशा के लिए नेगेटिव थॉट आपके माइंड से दूर हो जाएंगे, तो इस शुगर कोट बातों पे बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग भी एक तरीके का इमोशन होते हैं। आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसे आप अपनी लाइफ से हमेशा के लिए इरेज नहीं कर सकते। आपको आज के वीडियो में पता लगने वाला है कि आप किस तरीके से नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हो। और इस स्कैम वाली बातों पे बिल्कुल मत आना कि जब कोई आपको ऐसे बोलता है हाउ टू रिमूव नेगेटिव थिंकिंग फॉरएवर, ऐसा कभी नहीं होता है। नेगेटिव थिंकिंग कभी भी हमेशा के लिए आपके दिमाग से इरेज नहीं होती है। आप नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव सिचुएशन में सिर्फ बदल सकते हो अपनी थॉट प्रोसेस के साथ, और इसमें आपकी हेल्प करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सो आर यू रेडी फॉर टुडेज टॉपिक? Yes, of course. Comment down below. Yes, I am ready. I'm ready to attract each and everything. I deserve love. Comment karo achhe achhe affirmations. चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो आज ही वाला पॉइंट कवर करेंगे। अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ों को महसूस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका कॉलेज का हो, गवर्नमेंट हो, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो, उससे पहले ही अगर आपके मन में ये थॉट आता है कि पता नहीं मैं इस सिचुएशन में निकलूंगी या नहीं, पता नहीं एग्ज़ाम में मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं पास होंगी या फेल होंगी, लेकिन अगर आप बार बार ये सोच रहे हो कि यार पहले भी ऐसे हो चुका है, अभी फिर से ऐसा ना हो जाए, तो ये आप खुद ही अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो, रिपीटेड पैटर्न को दोबारा से अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, सर्कल को दोबारा वैसे ही घुमा रहे हो। अगर आप कोई गाना चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास रेडियो है, अगर आप कोई गाना चेंज करना चाहते हो तो आपको चैनल टर्न करना पड़ेगा। आप बार बार उसी चैनल को घुमा के रिपीटेड पैटर्न में गाना सुनोगे तो आप भी बोर हो जाओगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप रिपीटेड पैटर्न में अपने विचारों को दोहराते रहोगे तो वही सेम रियलिटी आपको अपनी डेली लाइफ में दिखनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप नेगेटिव थॉट से कैसे छुटकारा पाओ और कैसे इसे ओवरकम कर सकते हो, इसे कंट्रोल कर सकते हो, तो अगर आपकी लाइफ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्स वाई जेड, ठीक है, सबसे पहली चीज़ किसी को भी नहीं बताना है कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है रिलेटेड टू ए लाइफ, फाइनेंशियल सिचुएशन, योर रिलेशनशिप पैटर्न, एनीथिंग। जब तक वो चीज़ पूरी तरीके से अचीव नहीं हो जाती है, आप अपने प्लान्स को अपने तक ही सीमित रखो। यू नो व्हाट, नज़र इज सो ट्रू, सो रियल। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन नज़र लगती है चीज़ों को। इसीलिए आपके जो भी प्लान्स हैं या जो भी आप फ्यूचर में अपने चीज़ों को प्लान करना चाहते हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे भी, उसको अपने सीमित तक रखो, अपने तक रखो, जब तक वो चीज़ें पूरी तरीके से हो नहीं जाती, ठीक है। लोगों को अपनी प्लानिंग मत शेयर करो, ये पहली चीज़ है नेगेटिव इमोशंस से बचने के लिए। सेकंड स्टेप है, अगर आपको अपनी सिचुएशन के प्रति कोई भी नेगेटिव चीज़ें मन में आ रही हैं, तो उस चीज़ को पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ तुरंत अपने माइंड में चेंज कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लग रहा है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, या ये चीज़ अगर ऐसी हुई तो, पिछली बार की तरह हुई तो आपको अपने मन में रिपीट करना है, नहीं, ये चीज़ इस बार मेरे लिए बेस्ट है, इस बार चीज़ें मेरे लिए सिर्फ बेस्ट ही होंगी, इस बार सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा। आपको खुद ही अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों से भरना है, ना कि रिपीटेड पैटर्न में नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव रियलिटी को बार 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 क्रिएट करना है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप एक बहुत गंदे ब्रेकअप से गुजरे हो, आपने खुद को बहुत टाइम दिया है, आपने अपनी सिंगलशिप को बहुत एंजॉय किया है, अब आप एक न्यू लव में जाना चाहते हो, एक न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, तो आप रिपीटेड पैटर्न में क्यों सोच रहे हो कि नहीं मेरे साथ फिर से ऐसा हो जाएगा, फिर से वैसा हो जाएगा? नहीं, आप यूनिवर्स को ये भी मैसेज सेंड कर सकते हो कि ये मेरा ट्रू लव है, मुझे इसका ही इंतज़ार था, ये मेरा ट्रू लव है, ये मेरा ड्रीम मैन है या मेरी ड्रीम गर्ल है। इस तरीके से भी आप अपने नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करके उसे पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज कर सकते हो, और रियलिटी पॉजिटिव ही आपको मिलेगी। तो ये थे कुछ तरीके कि किस तरीके से आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन को चेंज कर सकते हो और रिपीटेड पैटर्न में नेगेटिविटी को नहीं अट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं, लिंक इन द
डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मेक श्योर करें कि पर्सनल सेशन सिर्फ एक दिन का होता है और एक घंटे का ही अवेलेबल है। सो जिस जिसको पर्सनल सेशन लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। अंटिल सी यू नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।